जन्मदिन मुबारक टॉमी, ये लो खोलो इसे। वाओ, एक तोहफा। वाओ, ये तो वॉच कार है पापा। तुम्हें कब से नई वॉच कार चाहिए थी, है ना? अब इस वॉच कार से तुम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। वॉच कार कहाँ है पापा? मुझे अभी देखना है, जल्दी। तुम्हें हमेशा चलती रहती है। अब रुको, ये आया। टडा! ओ, ये तो एक असली असली वॉच कार है। एक वॉच कार जो, रुको, ये क्या है? ये तो बहुत सस्ती वॉच कार है, मुझे ये नहीं चाहिए। ओ हाँ, मैं तुम्हारे लिए बेहतर लाना चाहता था और लाऊंगा भी, लेकिन ये बहुत वफादार है, मिलनसार है, इसलिए इसके साथ खेल के तो देखो। मुझे तुम पसंद नहीं, ये बेकार कार के साथ नहीं खेल सकता, मुझे शर्म आएगी। अगली बार मैं इससे बेहतर लेकर आऊंगा जब पापा ज्यादा कमाने लगेंगे। हाँ, बस तब तक इससे खेल लो ना टॉमी। मैंने कहा नहीं, मुझे नए तरह की वॉच कार चाहिए। आप मेरे लिए ये क्यों लाए? टॉमी, मेरे सभी दोस्तों के पास नई कार है, अगर मैं इसके साथ खेलूंगा तो मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, मुझे पता ही ऐसा होगा। मुझे माफ कर दो टॉमी, माफ कर दो मुझे। मैं आपसे नफरत करता हूँ डैडी। पर टॉमी रुको। टॉमी रुको, अगली बार मैं तुम्हें बेहतर ला कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ टॉमी। एक शानदार मैच जिससे आप अपनी आंखें हटा नहीं पाएंगे। ब्लू व्हेल और नियॉन दोनों ही बिना पीछे हटे, बिना डरे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वाव! वॉच कार बैटल स्टेडियम मुझे हमेशा से बहुत खुश करता है। नियॉन, चलो थोड़े मजे करें। थंडरबोल्ट, स्पार्क, ऑप्टिमस। सिर्फ खड़े नहीं रह सकते, है ना? पल्स गन, वाह, शानदार! ब्लू व्हेल कितना जबरदस्त है। अरे, तुम यहाँ कब आए? यहाँ से अभी जाओ। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाती हूँ। स्पिनिंग फायर आफ्टरमैन। तुम्हें लगा तुम मुझे चकमा दोगे? स्पिनिंग सॉसर, फिर से आक्रमण। ब्लू व्हेल, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। और ये आखिरी बार, खुद को तैयार कर लो। स्पिनिंग सॉसर आक्रमण। ब्लू व्हेल, स्पीड बढ़ाओ और चकमा दो। अब बढ़िया, बहुत अच्छे ब्लू व्हेल। ये लो, ब्लू बस्टर रेलगन आक्रमण। और अब ये आखिरी दाव। ओ, वीर ने जीत की और आखिरी चाल, अपना पावर कॉइन निकाल लिया है, अविश्वसनीय है। पावर कॉइन ट्राई। Oh!
नियॉन हार गया और हार कर बाहर हो गया और इस मैच के विजेता हैं वीर और ब्लूबेल। ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी, पक्का यकीन है वीर जो इस खेल में बिल्कुल नया है, चौथी बार जीत कर उसने जीत का सिलसिला चला दिया है। अब वो पांचवें नंबर पर पहुंच गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? याहू, मैं जीत गया। ब्लूबेल जीत गया, वो सच में जीत गया। मेरा वादा है कि एक दिन मैं बिल्कुल ऐसा ही खेलूंगा। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अगर मैं तुम्हें खेल में ले गया तो पक्का ही हार जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मेरा पीछा करना बंद करो। मेरा पीछा करना बंद करो। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मेरा पीछा मत करो। मुझे तुम जैसी बेकार कार आसपास नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। मुझे परेशान मत करो, जाओ। तेरी तो। हे, सुनो तुम ऐसे कचरा क्यों फेंक रहे हो? मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे लग जाती तो तुम क्या करते? हाँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं सच में माफी चाहता हूँ। माफी क्या होती है, मैं ये सब नहीं जानता। तुम ये क्या कर रही हो छोटी कार? अब ये कचरा क्या है? जाओ यहाँ से, चलो जाओ। ऐसी कार अभी भी बिकती हैं? इसने जरूर इसे कचरे से उठाया होगा। नहीं, इस वॉच कार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरी वॉच कार नहीं है, कसम से। अगर ये तुम्हें इतनी नापसंद है तो तुम इसे वापस क्यों नहीं फेंक देते? ओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तुम रोने क्यों लगे? रो मत। अरे रो मत, तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे हम तुम्हें परेशान कर रहे हो। चुप हो जाओ। हे तुम लोग इसके साथ क्या कर रहे हो? हाँ तुम लोग एक छोटे बच्चे को सता रहे हो और अपने आप को 12 मास्टर्स कहते हो? क्या मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? अरे आयशा शांत हो जाओ। मैं सिर्फ इस बच्चे को कचरा फेंकना सिखा रहा था, बिना डरे। हाँ, कौन किसको समझा रहा है? हाँ तुम, तुम्हें खुद को समझाना चाहिए, समझे? ना कि उस छोटे बच्चे को। जो भी हो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। यही तो मैं कह रहा था, तुम बस बात का बतंगड़ बना रहे हो। क्या तुम ठीक हो? एक बच्चे को रुलाया और कहते हो कुछ गलत नहीं किया? वो लोग उस वॉच कार को कचरा कह रहे थे। मुझे लगा ही था। विकी, टोनी, तुम लोग किसी की कीमती वॉच कार का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हाँ, और तुम क्या करोगे अगर मैं ना मानूं तो? चलो देखते हैं कि ये वॉच कार कचरा है या नहीं। क्यों ना ये जानने के लिए हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करें? मुझे लगता है वीर तुम बहुत आगे जा रहे हो। तुम्हें मुकाबला करना है, वो भी इस बेकार सी वॉच कार के साथ, वो भी 12 मास्टर्स के साथ। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि हार जाओगे? क्या मैं नहीं डरता? बकवास मत करो। हाँ तो तुम एक मैच में खेलने से मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है इसलिए ना? थोड़ा सा बेवकूफ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं खेलूंगा, तुम्हें खत्म करने में मजा आएगा।
प्यारे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टॉमी है। टॉमी, तुम इतने मुरझाए और उदास क्यों हो? तुम अपनी वॉच कार के साथ एक युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बात ये है, मेरी वॉच कार ब्लू व्हेल की तरह नहीं है। हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो, सिड तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी वॉच कार का प्रदर्शन सुधार देगा, वो कमाल है। बिल्कुल, सिड एक जबरदस्त वॉच कार इंजीनियर है। सिड की मदद से तुम्हारी वॉच कार और ताकतवर बन जाएगी, तुम अपनी आँखों से देख लेना। मैं वादा करता हूँ टॉमी, तो अब चिंता मत करो। हाँ, अच्छा तो ठीक है। हे भगवान, इस तरह की पुरानी वॉच कार तुम कहाँ से लेकर आए हो? ये सालों पुरानी है। मैं इस कबाड़ को नहीं रखूंगा, क्या तुम नया मॉडल दे सकते हो? नहीं 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 नहीं, भले ही ये पुराना मॉडल है पर इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। इसे थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है, फिर ये कमाल का काम करेगा। ओ सेट, प्लीज, मुझे कबाड़ नहीं चाहिए, इसकी जगह नया मॉडल दे दो, प्लीज। ओ प्लीज टॉमी, तुम्हें अपनी वॉच कार से ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। कोई बात नहीं टॉमी, वॉच कार्स हमारे भरोसेमंद और प्यारे दोस्त होते हैं, हमें उनसे प्यार और उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे बस ये कबाड़ नहीं चाहिए, मैं इससे नफरत करता हूँ। ओ टॉमी नहीं, ऐसा मत करो, सिड इसे बदल देगा और इसे बिल्कुल नया बना देगा। मैं सही कह रही हूँ ना सिड? हाँ बिल्कुल, मैं पक्का ऐसा कर दूंगा। अब मेरा हुनर दिखाने का वक्त आ गया है टॉमी। टॉमी, अब तुम्हारी वॉच कार से मिलने का वक्त आ गया है। ओह सिड, हम कब से दिखना चाहते हैं, जल्दी करो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ अगर तुम तैयार हो। हाँ। तो ये लीजिए, मिलिए टॉमी की वॉच कार से, हर तरह की बेहतरी के साथ, जिसे बनाया है दुनिया के महान सबसे अद्भुत वॉच कार इंजीनियर सेट ने। ज्यादा कुछ बदला हुआ से नहीं लग रहा है। ये बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, ये अब बिल्कुल बदल गया है। वाह, ये बहुत बेहतरीन है। वाह, अब इसकी हर बात बिल्कुल अलग है, ये बेहतरीन है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बाहर से भले ही वैसा ही दिखे, पर इसके सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अलग और नए है। मैंने सभी पुराने पार्ट्स को बदल कर इंजन, पहियों और हर चीज को मजबूत कर दिया है, जिससे अब ये पहले जैसा नहीं रहा। ये बहुत अच्छा है, बधाई हो टॉमी। शुक्रिया। मैंने कहा था ना, सिड वॉच कार्स को पूरी तरह बदल सकता है। क्या सच में ये अब सबसे अच्छी हो गई? बिल्कुल सही। चलो अब इस वॉच कार का कोई बढ़िया सा नाम रखते हैं। स्वान, स्वान कैसा रहेगा? स्वान, मुझे नाम पसंद है। बहुत अच्छे, तो टॉमी क्यों ना एक बार तुम स्वान को अब गले लगाओ। हाँ सच में, अच्छा खेल खेलने के लिए तुम्हें अपनी वॉच कार से अच्छी दोस्ती रखनी होगी, उसे गले लगाओ और दोस्ती करो। ओ ठीक है फिर। स्वान आओ मेरे पास, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तुम मेरा पीछा करना बंद करो। मुझे तुम्हारे जैसा कबाड़ नहीं चाहिए, तो जाओ यहाँ से। ओ, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो डरा हुआ है। कोई बात नहीं टॉमी, एक बार में कुछ नहीं होता, तुम उससे अच्छे से पेश आओ और सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ। ओ,
स्वान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, अब मुझे पता चला। मुझे माफ कर दो, क्या आप हम दोस्त हो सकते हैं? स्वान, तुम सच में मेरे पास आ गए, शुक्रिया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे खुदकुदी हो रही है। ये बहुत अच्छा हुआ, अब वक्त है अभ्यास करने का और साबित करने का कि विकी का तुम्हें चढ़ाना गलत था। मुझे पता है कि तुम इस कबाड़ को सुंदर बनाकर लाए हो, लेकिन ये अब भी मेरे एक्स का से मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, तुम हमेशा बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। टॉमी, ये कुछ नहीं है, बस बड़ी बातें हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं सच में उससे जीत सकता हूँ? बिल्कुल, स्वान और तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है तुम कर लोगे। ठीक है, मैं अच्छा खेल के जरूर जीतूंगा। मजा नहीं आएगा अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो। इसे आसान बनाना पड़ेगा। एक्स का आक्रमण। स्वान, हार मत मानना, लगे रहो। मैं तुमको लोहे का टुकड़ा बना दूंगा। चलो आक्रमण। ओ, तो तुमने मुझे फिर चकमा दिया। फिर से हमला करो। स्वान, बहुत अच्छी स्वान, तुम उसे चकमा दे सकती हो, चलो। बदबूदार लड़के, मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। स्वान, अब हमला करो, उसके पीछे निशाना लगाओ। लेजर बीम आक्रमण। हम जीत गए, मैंने कर दिखाया दोस्तों। मैंने कहा था ना कि तुम जीत जाओगे दोस्त। इतनी जल्दी खुश मत हो, इसने विक्की को और भड़का दिया है। बदमाश कहीं के, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। वो क्या था? ये वो ब्लैक शैडोज तो नहीं? वो कभी थकते नहीं है क्या? टॉमी, यहाँ रहना खतरनाक है, जाओ वहाँ छुप जाओ। स्वान, क्या तुम थोड़ी देर टॉमी की रक्षा करोगे? आज मैं सच में ब्लू विल को वीर से लेकर रहूंगी। तुम क्यों हमें बार बार परेशान करते हो? हाँ, अगर हमें इस बार ब्लू विल नहीं मिला तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुम खड़े मत रहो, हमला करो। आ रहा है लेजर वल्कन आक्रमण। ऐसा नहीं होगा, रॉकी सामना करो। ये बढ़िया था, बहुत अच्छी मैडी। और अब हमारी बारी। ब्लू पल्स गन आक्रमण। अब मेरी बारी, स्टील कैनन बॉल आक्रमण। लव लव बीम आक्रमण। नहीं टॉमी, स्वान, वो खतरनाक है। पूरी तरह से घिर चुके हैं क्या? घेर के हमला करो, सब एक साथ लेजर वल्कन आक्रमण। मैं यहाँ खड़े होकर देख नहीं सकता। सो चलो उनकी मदद करें, लेजर बीम आक्रमण।
टॉमी, हमने घेराबंदी को तोड़ दिया, अब हमारी बारी है। गन फायर से हमला, सब एक साथ। ठीक है, चलो। हम फिर हार गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम रुको अब, आखिर कब तक बचते रहोगे? बहुत अच्छा टॉमी। सच में बहुत खूब स्वान। चलो अब हम हमेशा साथ रहेंगे। टॉमी आप कैसा महसूस कर रहे हो बेटे? थोड़ा रुक जाओ तो पापा तुम्हें एक नई वॉच कार दिलाएंगे, कसम से। कोई बात नहीं पापा, सच में मेरे लिए तो स्वान सबसे अच्छी कार है। क्या तुम दोनों क्या अब साथ रहोगे? हाँ, मुझे नहीं पता था पापा कि स्वान इतनी अच्छी वॉच कार हो सकती है। मैंने पहले जो किया उसके लिए माफ कर दो पापा, सच में। नहीं टॉमी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो टॉमी। मुझे कितना गर्व है तुम पर टॉमी। ओ पापा, मैं सच में बहुत खुश हूँ।